नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर अपेक्षा मिर्जा है। मैं स्किन स्पेशलिस्ट यानी कि चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं आज आपको कुछ जानकारी सफ़ेद दाग यानी कि विटिलाइगो के बारे में देना चाहूँगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने 25 जून यानी कि विश्व विटिलाइगो दिन या वर्ल्ड विटिलाइगो डे के तौर पर एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले विटिलाइगो है क्या? विटिलाइगो यानी कि त्वचा पर उत्पन्न होने वाले सफ़ेद दाग। अब ये होते क्यों हैं? ऐसा कोई ठोस कारण नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये मल्टीफैक्टोरियल है। इसके होने के बहुत सारे कारण माने जाते हैं। सबसे पहले तो इसको ऑटो इम्यून यानी कि स्व प्रतिरक्षित बताया जाता है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि अंदर से होने वाला रोग। इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक शक्ति हमारे शरीर में क्या रोल प्ले करती है? तो ऐसा समझाते हैं कि जब भी बाहर से शरीर में वायरस का, जीवाणु का, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या चेप होता है, तो इम्यूनिटी ये पहचानती है कि ये रोग हमारे, ये जीवाणु या ये बैक्टीरिया हमारे शरीर का नहीं है, और उसको अटैक करके बॉडी में से निकालती है। तो जब बॉडी को ये पता नहीं चले या फिर इम्यूनिटी को ये पता नहीं चले कि कोई कोशिकाएं, जैसे कि रंग की कोशिकाएं हैं, वो हमारे शरीर की है और उसके ऊपर हमला करते, तो उस समय पे विटिलाइगो जैसे बीमारी होती है। जैसे बाल की जड़ के ऊपर जब इम्यूनिटी अटैक करती है, हमला करती है, तो चोर बाल या फिर एलोपेशिया एरियाटा हो सकता है। जैसे चमड़ी को, त्वचा को जकड़ के रखने वाले प्रोटीन के ऊपर इम्यूनिटी अटैक करती है, तो पूरे शरीर में पानी भर के फफोले हो जाते हैं, जिसको पैम्फिकस बोलते हैं। वैसे ही जब चमड़ी को कलर देने वाली, रंग देने वाली कोशिकाओं पर इम्यूनिटी अटैक करती है, तो विटिलाइगो हो सकता है। दूसरा इसका कारण आनुवंशिक या जेनेटिक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विटिलाइगो के पेशेंट पे फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री रिलेटिव में 20-30% को सफ़ेद दाग हो सकता है। जैसे हम यूजुअली ऐसा मानते हैं कि विरुद्ध आहार विहार, जैसे दूध के साथ प्याज ले लिया या ऐसा कुछ विरुद्ध खा लिया, उसकी वजह से विटिलाइगो होता है, उसकी वजह से सफ़ेद दाग होता है, तो ये सही नहीं। खाने की वजह से विटिलाइगो शरीर में नहीं होता है। एक बार हो जाए उसके बाद एक चीज़ होती है किमिलाइजेशन, जिसमें जहाँ पर भी ट्रॉमा या चोट लगती है, तो वहाँ पर नया विटिलाइगो का लीशन होने का चांस है। तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे कोई ऑर्नामेंट्स पहनता है, कान में पहनता है, तो वो कंटिन्यूसली अगर वहाँ पे खिसता रहता है, तो उसके बाद वहाँ पे सफ़ेद दाग होने के चांस है। हर एक सफ़ेद दाग विटिलाइगो नहीं होता है। जैसे कई बार किसी पेशेंट को बहुत सारे, जैसे कई बार फंगल की वजह से भी चमड़ी सफ़ेद हो सकती है, कई बार चोट लगने के बाद जब हीलिंग हो रहा है तभी भी चमड़ी सफ़ेद हो सकती है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि चर्म रोग विशेषज्ञ है जो आपको बताएंगे कि ये सफ़ेद रोग है कि नहीं है। सफ़ेद रोग में कॉस्मेटिकली चमड़ी के ऊपर से कुछ हिस्सों में से, कुछ एरिया में से कलर चला जाए, उसके अलावा रोग में कुछ नहीं है। जैसे कि वो आपके शरीर के अंदर आपको कोई तकलीफ नहीं करेगा, जैसे आप में से आपके साथ जो रह रहे हैं उनको स्प्रेड नहीं होगा, चेप नहीं है, किसी का हाथ पकड़ने से, किसी को छूने से वो नहीं फैलता है, तो उसके बारे में हमारे मन में जो मान्यताएं हैं, जो मीथ है, उसको हटाना चाहिए। चमड़ी के कुछ हिस्से सफ़ेद है, उससे ज़्यादा इस रोग में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो सोशल स्टिग्मा है हमारा, कि जैसे जिनको सफ़ेद दाग है उनकी शादी होने में दिक्कत आती है, ये सोचकर कि शायद बच्चों में हो जाएगा, ये सोचकर शायद इन्फेक्शियस है या स्प्रेड हो जाएगा, तो ऐसा बोलते हैं कि हर एक पेरेंट्स या हर एक माता पिता जिनको विटिलाइगो है, उनके बच्चों को सफ़ेद दाग होगा ही, वो ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा टेंशन मत लीजिएगा और इस बेसिस के ऊपर आप शादी का डिसीजन भी मत लीजिएगा। उनको भी उतना ही हक है शादी करने का जितना बाकी सबको है। अभी थोड़ा उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ऐसा बोलते हैं कि ट्रीटमेंट को तीन हिस्सों में बाँट दिया जाता है। एक है जिसमें पहले रोग फैलना रुकना चाहिए, नया नया अगर आ रहा है तो वो रुकना चाहिए। दूसरा है जो एग्जिस्टिंग लीशन है, जो हो गए है, उसमें रंग वापस आना चाहिए। और तीसरा है कि वो वापस से नहीं होना चाहिए।
सफ़ेद दाग बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल से मेरा मतलब है कि कई बार ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको खुद ब खुद सही हो जाए, ऐसे पेशेंट्स भी है जिनको 20 साल तक सिर्फ एक जगह पे एक स्पॉट रहा और फिर अचानक फैल गया, और ऐसे पेशेंट्स भी है जिनको दवाई से पूरा ठीक हो गया। तो वो कैसे आगे बढ़ेगा वो पहले दिन बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जितना जल्दी आप दवाई लेते हो, जैसे किसी को छोटा सा स्पॉट एक दो महीने से है और उसने दवाई ली, तो उसको परिणाम आने का, उसको पूरा कलर आने का चांस जिसको 10 साल से है उससे ज़्यादा रहेगा। जैसे उम्र कम है वैसे रिजल्ट अच्छा आता है। किसी को जैसे 40-50 साल के बाद डेवलप हुआ है, उनके नेचुरली बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, तो वो उम्र में दवाई से रिजल्ट आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। ऐसी जगह पे है जहाँ पे छोटा पैच है जिसमें से जो बाल निकल रहे हैं वो ब्लैक है, तो काले बाल की जड़ में से आसपास कलर आके वो फटाफट हील हो जाता है। लेकिन जहाँ पे ऐसा एरिया है जहाँ पे बिल्कुल बाल नहीं है, जैसे लिप्स है, जैसे हाथ का पीछे का भाग है या पाम है, जहाँ पे नेचुरली बाल होते ही नहीं है, या फिर ऐसा एरिया है जहाँ पे पहले बाल तो थे लेकिन सफ़ेद दाग की वजह से ही वहाँ के बाल सफ़ेद हो गए, तो वो एरिया में दवाई से कलर आने के चांसेस कम रहते हैं। किसी को अगर साथ में डायबिटीज़ या थायरॉयड है तो उनको दवाई से कलर आने के चांसेस कंपेयर टू जिनको बिल्कुल नहीं है थोड़े कम है। तो ये उसके कुछ प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स है कि किसको ज़्यादा चांसेस है दवाई से कलर आने के, किसको कम है। लेकिन फिर भी ऐसा बताते हैं कि आप जितना जल्दी दवाई शुरू करो उतना जल्दी रिजल्ट आता है। ये पॉइंट पे दूसरा ये भी बताना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। मैंने अभी अभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखा था जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा भारी स्टेरॉइड की क्रीम को सफ़ेद रोग की ट्रीटमेंट बताकर फॉरवर्ड किया जा रहा था कि अगर ये क्रीम लगाते हो तो भैया मेरा विटिलिगो ठीक हो गया, आपका भी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो विटिलिगो की ट्रीटमेंट है डेफिनेटली, लेकिन उसको कहाँ पे लगाना है, कौन सी एज पे लगाना है, ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे को या किसी इवन एडल्ट को आँख के आसपास लगा दिया वही स्टेरॉइड का क्रीम लंबे टाइम तक, तो चमड़ी को तो नुकसान होगा ही होगा, आँख को भी हो जाएगा। तो ऐसे मैसेज से भी दूर रहिए। और जैसे पड़ोसी ने बोला ये क्रीम से ठीक हो जाएगा या डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से, उसकी जगह पे मैं आपको अनुरोध करूँगी कि आप स्किन स्पेशलिस्ट को, चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखा के निदान पक्का करके उनके हिसाब से ट्रीटमेंट कीजिए, उसमें रिजल्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो पहले रोग को रोकने के लिए दी जाती है शुरुआत में, जिनका प्रोग्रेशन थोड़ा ज़्यादा है। एक बार रोग रुक जाए उसके बाद बहुत सारी क्रीम्स आती है, टैबलेट्स आती है, इवन फोटोथेरापी होती है। फोटोथेरापी से मेरा मतलब है कि पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की लाइट होती है जो दवाई के तौर पे काम करती है, उससे कलर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उससे भी आगे बढ़ के बहुत सारी सर्जरीज होती है जिससे कलर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सर्जरीज में एकदम छोटी जिसमें सिर्फ नीडलिंग करते हैं से लेके पूरा और कहीं से स्किन निकाल के दूसरी जगह पे स्किन का ग्राफ्ट लगाने तक बहुत सारी ट्रीटमेंट होती है, और एंड में कीमोफ्लेश भी होता है जिसमें स्किन के कलर का टैटू कर देते हैं। तो इस रोग से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मौके पे मैं आपको यही समझाना चाहूँगी कि एक तो खुद घबरा के कि मुझे क्या हो गया है, मुझे ही क्यों हुआ है, या फिर और किसी को बोल के क्रीम ले ली, उससे बेटर है कि आप डॉक्टर को दिखा के उनसे डायग्नोसिस निदान कंफर्म करके उनके हिसाब से दवाई करिए, तो आपको इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। ये भी बताना चाहूँगी कि जिनको है उनको थोड़ा प्यार से बरतिए, ये बिल्कुल चेपी नहीं है, उनमें से आपको होने के बिल्कुल चांसेस नहीं हैं। तो ऐसा मत कीजिए कि उनको थोड़ा सा आइसोलेटेड फील हो, उनको थोड़ा सा ख़राब फील हो। तो रोग समझाया वैसे कि अपार्ट फ्रॉम कॉस्मेटिकली कुछ एरिया हमें शरीर में सफ़ेद दिख रहे हैं, उससे ज़्यादा रोग में कुछ नहीं है। तो उसके बारे में जो भी आपके मन में शंकाएँ हैं उसको हटा दीजिएगा। Thank you so much.